फ्रेंड्स कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं। मिठू भाई हाजिर है एक और नए वीडियो के साथ जी। CB125F की और बिलाल भाई का होंडा 125 2024 मॉडल, उसकी ड्रैग रेस एक और रोड पे अभी करने जब जा रहे हैं जी। जी सोलर पार्क रोड है, यहाँ तकरीबन 4 किलोमीटर की ड्रैग रेस बनती है, क्योंकि पिछली रेस में आपने देखा होगा वहाँ 2-3 जगह पे ब्रेक लगी है, CB125F पूरी अपनी रेस कवर नहीं कर सका। तो अभी रेस दोबारा इस करते हैं। इस रोड के ऊपर कोई भी रश नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। उसके अलावा आप देख लें जी, हमारे साथ जो है होंडा 125 2024 मॉडल बिलाल भाई का, इसके साथ ड्रैग रेस करने वाले हैं जी राणा अली मेहदी भाई का, जो आए हैं जी आरएफ वाला से स्पेशली रेस करने के लिए। तो इनके साथ रेस करते हैं जी। ये रेस होगी जी बेंड पोजीशन पे। इन्होंने कहा जी हमने बेंड होके रेस करनी है जी, बेंड होके देखते हैं जी कितना बाइक भागता है जी, बेंड होके रेस कर लें। तो इस रेस में बेंड पोजीशन पे बिलाल भाई और जो राणा भाई हैं ये दोनों आगे निकल जाएंगे, मैं तो काफ़ी पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि ना ही तो मैं बेंड होके चला सकता हूं। तो कोशिश करूंगा कितना मेरा बाइक भागता है। तो ये रेस बहुत ख़ास होने वाली है जी। पहली रेस में आपने देखा था जी CB125F जीत गया था राउंड 2 में, लेकिन अभी बेंड पोजीशन पर भी ये तजर्बा करके देख लें जी कौन जीतता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। तो अभी राउंड 1 और राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, राउंड 1 स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत खुला रोड है, वाइड रोड है। यहाँ CB125F की पावर चेक करेंगे, बिलाल भाई का होंडा 125 2024 की पावर चेक करेंगे जी, क्या बनता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या पिकअप है। क्योंकि अगर स्ट्रेट बैठ के रेस करते हैं तो 125 आगे निकल जाता है, और जो CB125F है ये काफ़ी देर के बाद अपना राउंड पूरा करके गियर की रेशियो पूरी करके फिर पकड़ता है 125 को। तो अभी ये बैंड पोजिशन पर देखेंगे जी क्या बनता है, बैंड पोजिशन पर भगा के चेक करेंगे जी क्या बनता है। तो अभी बैंड पोजीशन पे करके चेक करते हैं जी किस में पावर है, क्योंकि अभी जो रेस है ये बैंड पोजीशन पे है, स्ट्रेट बैठ के नहीं है। तो अभी राउंड 1 और राउंड 2 स्टार्ट करते हैं जी। राउंड 2 में आपको वाजिब बता देंगे जी किसकी पावर अच्छी है। अभी राउंड 1 आपने देख लिया, राउंड 1 में भी फिर ये पीछे से आगे हमारे आगे निकल गए हैं जी। राउंड 1 देखा जाए बैंड पे तो विनर भाई CB125F है। तो अभी राउंड 2 करते हैं, राउंड 2 में देखते हैं क्या बनते हैं। बिलाल भाई पीछे रह गया, पता नहीं क्या वजह बनी। तो अभी राउंड 2 इधर ही करते हैं जी। एक मिनट रुको ना, चलो चलो तो स्टार्ट करिए। तो अभी राउंड 2 स्टार्ट करने लग गया बैंड पोजीशन पे। काफ़ी दोस्त कहते हैं जी बैंड पोजीशन पे कर लें जी, बैंड पोजीशन पे तो CB125F नंबर ले गया, बिलाल भाई का बाइक बंद हो गया था जी, वो हमारे साथ मिल ही नहीं सके। तो अभी राउंड 2 में आपको वाजिया पता चल जाएगा जी। एक मिनट बराबर करो यार, अपना चलो। गड्डी आ रही पीछे, जल्दी कर,
यार उन्हें पीछे फिर रश लग जाना, मजा ही नहीं आना। बिलाल भाई का बाइक बंद हो गया था बैंड पोजीशन पे, तो राउंड टू अभी करने लगे हैं। राउंड टू में भी हाफ किया, बिलाल भाई विनर है। तो अभी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे है जी, यहाँ से देखते हैं जी बैंड पोजीशन पे कौन जीतता है कौन हारता है जी। तो राउंड टू में तो बिलाल भाई विनर है, तो राउंड वन के भी विनर थे लेकिन इनका बाइक बंद हो गया था बिलाल भाई का। तो अभी ये बैंड पोजीशन पे भी रेस होगी भाई, क्योंकि मैं पूरा बैंड नहीं होता इस वजह से मैं पीछे ही रहता हूँ भाई। 3 बार अलार्म बजाएंगे, रेस स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, राउंड टू भी आपने देख लिया बैंड पोजीशन पे। जो पहले हमारी रेस हुई थी जिसमें 2-3 जगह पे ब्रेक लगी थी CB125F की, स्ट्रेट बैठ के और लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं किया था बिलाल भाई ने, तब तो बिलाल भाई हार गए थे ठीक है। लेकिन अभी भाई ने, राणा भाई ने, जो CB125F वाले भाई, उन्होंने कहा जी मैं बैंड होकर रेस करना चाहता हूँ। तो बैंड होकर हमने राउंड वन किया। राउंड वन में बिलाल भाई का तो बाइक ही बंद हो गया था, रिजर्व पर लगा हुआ था, इस वजह से पेट्रोल ख़त्म हुआ और बंद हो गया। तो अभी जब राउंड टू हमने किया, राउंड टू में बिलाल भाई विनर है। तो राणा भाई से पूछते हैं, भाई जी ये बैंड पोजीशन पे कौन सा बाइक की पावर अच्छी है? राणा भाई बताएं, आप इतनी दूर से आए, हमने आपका रिव्यू लेना है, आप ये बात दिल में रख के ना जाइए कि मिट्टू भाई ने नजायज़ बात की है। मैं नजायज़ बात, आपको पता है जितनी भी रेसिस हुई हैं मैंने किसी को गलत नहीं हराया कि आप गलत हारे हैं गलत जीते हैं ठीक है। आप ये बताएं, अगर आप स्ट्रेट बैठे हों तब आपका बाइक जीत सकता है, ये तो मेरी समझ में आता है। अगर आप बैंड पोजीशन पर जाएँ तो फिर बैंड पोजीशन पे जाएं तो मैंने बताया कम से कम 10 किलोमीटर का ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपनी बाइक को 130 चलाया, अभी सुई 120 पे टचअप हुई है। अच्छा। बिलाल भाई के करीब करीब मान लगे अब ट्रैक खत्म हो गया। बाकी अगर शॉर्ट रन के लिए तो वो क्लासिक है ठीक है, मतलब अगर शॉर्ट रन पे आप फास्ट करना चाहते हैं या पहले उठना चाहते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग रन पे हैं तो फिर वो आपको सी बी है। चलें जी, ये आपको बिलाल भाई के साथ रेस करने का मजा आया, इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा। ये तकरीबन इनका कहने का मकसद ये है कि मैं जितने भी 125 को रेसेस किए ना, ये मैं इस भाई ने हराया है। अच्छा। और इंशाल्लाह ये मुझे, वैसे ये जीत के गए हमसे, ये नहीं कहते ये हार के जा रहे हैं, लेकिन ये है कि इनका हमको ये कह दिया कि यार क्लासिक क्लासिक है। बिल्कुल ऐसे बात है भाई, जो क्लासिक है सिंपल 125 है, उसकी पावर के साथ कोई भी आप नहीं, उसके साथ उसकी रेस के साथ कोई भी आप बाइक नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो क्लासिक की पावर है उसका वेट कम है, इस वजह से उसकी पावर अच्छी है। लेकिन CB125 ये एक आरामदायक बाइक है और लॉन्ग रूट के लिए है, उसके अलावा इसके ऊपर अलॉय रिम इतने बड़े लगे हुए हैं जिस वजह से इसकी पिकअप कम हो जाती है।
लेकिन यहाँ स्ट्रेट बैठ के बहुत पिक है इसकी, बहुत ज़बरदस्त टॉप स्पीड है, मैंने खुद नोटिस किया है, हालांकि मैं भी फुल भगा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। नेक्स्ट हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।